घर पर बचे हुए चावल को कोई नहीं खाना चाहता, तो क्यों ना इस बचे हुए चावल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाकर इसे ऐसा बनाया जाए कि हर कोई इसे खाने की चाह रखे। तो इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन राइस, वो भी बचे हुए चावल से। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त रेसिपी। सबसे पहले तो एक पैन गरम कर ले। पैन में मिलाए 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑयल में मिलानी है चॉप्ड गार्लिक। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक का इस्तेमाल किया है। गार्लिक को हमें करनी है 10 सेकंड तक सॉटे, या बिल्कुल ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बस हमें इतनी ही इसे पकानी है। साथ में ही हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा चॉप किया हुआ अनियन। अनियन को भी हमें ज्यादा नहीं पकाना है, 10 सेकंड तक बस हमें अनियन को भी सॉटे करना है। मैक्सिकन राइस की बात की जाए तो मैक्सिकन राइस में सारी ही वेजिटेबल्स क्रंची रहती हैं, तो इसलिए हमें किसी भी वेजिटेबल को ज्यादा पकाना नहीं है, ना ही अनियन को, ना ही गार्लिक को, और ना ही आगे चल के मैं जो इसमें वेजिटेबल्स डालने वाली हूँ उन सबको। अब बारी है हमारी वेजिटेबल्स मिलाने की। वेजिटेबल में मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है। मैंने रेड और ग्रीन कैप्सिकम का यूज किया है। अगर आपके पास येलो हो तो वो भी डाल दे, अगर ना हो तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। कैप्सिकम को भी हमें अनियन के साथ 10 सेकंड तक ही सॉटे करना है। नेक्स्ट हमें मिलानी है इसमें कैरेट। मैंने एक छोटी सी कैरेट को चॉप करके इसमें मिलाया है। अब कैरेट को भी 10 सेकंड तक सॉटे करें। वेजिटेबल्स मिलाते समय हमारे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पे वेजिटेबल्स हमारी सॉगी हो जाएगी। अब हमें मिलानी है 1/4 कप कॉर्न। कॉर्न को मैंने यहाँ पर बॉईल करके मिलाया है। अब कॉर्न को भी हाई फ्लेम पर साथ में सॉटे करें। साथ में ही हमें मिलाना है 1/4 कप बॉइल्ड राजमा। राजमा हमारा इतना पका होना चाहिए कि हम जब इसे अपनी फिंगर से दबाए तो ये आराम से टूट जाए। मैक्सिकन राइस काफी ही चटपटी होती है। इसका स्वाद खट्टा, मीठा और थोड़ा तीखा होता है, जो खाने में जबरदस्त टेस्ट देता है। अब हमें मिलानी है 1 चॉप्ड एलेपिनोज पेपर। अगर आपके पास एलेपिनोज ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें 2 हरी मिर्च चॉप कर मिला सकते हैं। मैंने जो एलेपिनो पेपर यूज किया है वो तीखी नहीं है। आमतौर पर एलेपिनोज पेपर काफी तीखी होती है, लेकिन हमारी एलेपिनोज बिल्कुल तीखी नहीं है। इसके साथ ही हमें मिलाना है इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब काले मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब सारी सब्जियों को मसालों के साथ कम से कम 1 मिनट तक भुनें। अभी हम मसालों को भुन रहे हैं, इसलिए हमें अभी गैस की फ्लेम मीडियम से लो पर कर देनी है। मैक्सिकन राइस बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे वेजिटेबल्स पड़ते हैं। अब हमें सब्जियों में मिलाने के लिए 1/2 टीस्पून नमक मिलानी है, ताकि सब्जियों में भी फ्लेवर अंदर तक नमक का जा सके। हमारी सब्जियां अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसमें मिलाना है 1/2 कप के करीब टोमेटो प्यूरी। मैंने यहाँ पर 1 टमाटर को बॉईल करके उसकी प्यूरी बना ली है, उसे ही मैंने यहाँ पर मिलाया है। हमारे टमाटर पके हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर टमाटर को सब्जियों के साथ ज्यादा देर तक भुनने की जरूरत नहीं है। बस मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो जाए तब तक हमें सब्जियों के साथ टमाटर के पेस्ट को भुनना है। अब हमें मिलानी है 1/2 टीस्पून के करीब ओरिगानो। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह सब्जियों के साथ सॉटे करें। अब हमें मिलानी है इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी जो राइस हो वो काफी कलरफुल लगे और स्वाद भी ज्यादा तीखा ना हो। अब बस बारी है हमारी पहले से पके हुए चावलों को मिलाने की। मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूंगी, अगर आप मेरी तरह मैक्सिकन राइस बना रहे हैं तो 1 दिन पहले बने हुए चावल का इस्तेमाल करें। इससे आपके जो चावल होंगे वो काफी खिले खिले बनेंगे।
अब बस हमें चावलों को अपने वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिलाना है ताकि सारे मसाले आपस में राइस के साथ कोट हो जाएं। अब हमें मिलानी है एक छोटी कटी हुई टमाटर। मैंने यहाँ पर टमाटरों के अंदर के गूदे को निकाल दिया है, फिर उसे चॉप किया है। टमाटर अभी हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि इसका क्रंची फ्लेवर राइस में आए और ये सॉगी ना हो। आप यहाँ पर नमक टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक का इस्तेमाल किया है। अब हमें मिलानी है फ्रेश चॉप की हुई धनिया की पत्तियाँ। आपको मैक्सिकन राइस में पूरा ही इंडियन फ्लेवर मिलेगा। अब बस राइस को अच्छे से सारी चीजों के साथ मिक्स कर दें। हमें मिलानी है 1 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस। आप लेमन जूस मिलाने से पहले अपने राइस को टेस्ट कर लें। अगर आपकी राइस ऑलरेडी खट्टी लगे तो आप उसमें लेमन जूस स्किप कर सकते हैं। बस हमारी तीखी चटपटी और हेल्दी मैक्सिकन राइस तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सालसा के साथ या फिर ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।